हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत है आपका टेक्निकल अधिकारी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी पांच चीज़ें होने वाली हैं, कौन से ऐसे पांच कीवर्ड हैं जो आपको गूगल पे कभी भी सर्च नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों को गूगल पे सर्च करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल फ्रेंड्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाता है। पर फ्रेंड्स, बात ये भी है कि वो जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है वो 100% सही है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी पांच चीज़ें हैं जो आपको गूगल पे कभी भी सर्च नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सबसे पहले जो आता है वो आता है हाउ टू अबॉर्ट चाइल्ड, गर्भपात कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। अगर इस कीवर्ड को या इस चीज़ को आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है ऑलरेडी इस चीज़ को बैन कर चुकी है। अगर आप ऐसी कुछ इनलीगल एक्टिविटी करते हो तो आप बहुत जल्द ट्रैक कर लिए जाओगे और इस चीज़ के लिए आपको जेल भी हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है ऑलरेडी बहुत काम कर रही है इस चीज़ पे कि जो मेल और फीमेल का जो रेशो है ये बराबर कैसे हो सके, कैसे इसे बराबर लाया जा सके। इसलिए इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि कौन गूगल पे किस चीज़ को टाइप कर रहा है, सर्च कर रहा है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड कीवर्ड है वो है कि जो चाइल्ड पोर्न है, अगर आप चाइल्ड पोर्न गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मुश्किल तो होगी और साथ में जेल भी हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही बहुत सारे ऐसे जो वेबसाइट हैं जो पोर्नोग्राफी जो कंटेंट दिखाते हैं उसे बैन कर चुकी है इंडिया में। और जो चाइल्ड पोर्न है उसके तो ऑलरेडी एक इनलीगल चीज़ है, एक क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उसकी श्रेणी में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन कीवर्ड को गूगल पे कभी सर्च करते हो तो आप जो है जो साइबर जो इंडियन जो सिक्योरिटी होती है साइबर सिक्योरिटी उनके आप ट्रैक कर लिए उनके द्वारा ट्रैक कर लिए जा सकते हो, आपके जो आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक किया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे चीज़, जो तीसरा और जो फ्रेंड्स सबसे मेन है जो इम्पोर्टेंट है वो है जो ऐसे जो टेररिज्म एक्टिविटी है, टेररिज्म से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो, टाइप करते हो ऐसे कोई कीवर्ड, जैसे कि हाउ टू मेक बम कैसे बनाया जाता है, जो जो हथियार है उनकी सप्लाई कैसे होती है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आप सर्च करते हो गूगल पे तो आपको बहुत ही जल्दी ट्रैक कर लिया जाएगा। अब जो सुरक्षा एजेंसी है किसी भी कंट्री की, जैसे इंडिया की जो भी सुरक्षा एजेंसी है, तो आप उन वो आपको बहुत जल्दी ट्रैक कर लेंगे और आपको जेल हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स हर कोई कंट्री जो है, हर एक देश जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और बहुत सारे ऐसे उसने काम किए हैं कि जिससे टेररिज्म कम हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी एक्टिविटी अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप जो सुरक्षा एजेंसी है उनके द्वारा ट्रैक किए जा सकते हैं और बहुत ही जल्द आपको पकड़ भी लेंगे और जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप गूगल पे कभी भी कीवर्ड को सर्च ना करें या कोई ऐसी चीज़ें ना देखें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथी कौन सी चीज़ है। तो चौथी चीज़ आती है कि फ्रेंड्स हमारे एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है कि अगर हम अपना नाम को, अपने नेम को, अपने ईमेल आईडी, फ़ोन एड्रेस को अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ों से हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, और होता क्या है कि जो हमारी पर्सनल एक डिटेल है, हमारी पर्सनल एक डाटा है वो गूगल पे चली जाती है फ्रेंड्स, और वो कहीं भी शेयर की जा सकती है। फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा अगर आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे कुछ चीज़ सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके ईमेल पे आने शुरू हो जाते हैं या फिर आपके फेसबुक अकाउंट पे वो आने लगते हैं। तो इससे क्या है, इससे मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि गूगल जो है वो आपकी एक्टिविटी को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देख रहा है। तो आप ऐसी कोई चीज़ें, अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो कभी भी गूगल पे सर्च ना करें, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड या अपना फ़ोन एड्रेस। अगर आप ये चीज़ें शेयर करते हो गूगल पे तो आपकी जो पर्सनल डाटा है वो कहीं भी शेयर हो सकता है और आपको मुश्किल हो सकती है। और फ्रेंड्स,
जो लास्ट चीज़ है, जो पांचवी चीज़ है जो आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी, वो है कि किन खाने की चीज़ों से कैंसर होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है, इसमें आप टोटली मिसगाइड किए जा सकते हो गूगल के द्वारा। क्योंकि फ्रेंड्स गूगल में कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे ये बताया गया कि कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये बस पैसे कमाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों से आप मिसगाइड हो सकते हो कि कहीं पे ये भी बताया गया कि आप पपीता खाओगे तो या आम खाओगे तो आपकी जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप सर्च ना करें फ्रेंड्स। अगर आप सर्च करते हो कि कैंसर कैसे होता, आप सिंपली अपने जो डॉक्टर होता है लीगली उनसे जाके मिल सकते हो, अच्छे से उनसे कंसर्न कर सकते हो कि किन चीज़ों से कैंसर होता है या कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। पर अगर आप गूगल पे इन चीज़ों को सर्च करते हो कि कैसे कैंसर होता है, किन चीज़ खाने की चीज़ों से होता है, तो आप टोटली मिसगाइड होंगे जिससे आपको नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स ये वो पांच चीज़ें हैं जिनको आप अगर गूगल पे सर्च करते हो आपको नुकसान भी होगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आप गूगल पे टाइप ना करें, सर्च ना करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।